देखिए हमारे बाबा जी घर पर पूरी बागवानी किए हुए हैं, आपको दिखा इत्यादि रहा हूँ। ये देखिए हमारे बाबा जी, तोड़ रहे बाबा हैं, जी मटर की फली तोड़ रहा हूं। देखिए मस्त लहसुन है, ये लहसुन है, ये देखिए मेथी है बाबा, वो मेथी है, और ये प्याज का टमाटर, बेरन है, मेथी टमाटर, नींबू, उधर देखिए करमकल्ला, गोभी उधर, इधर देखिए धनिया, और पूरा इधर देखिए मेथी, पालक, सब चीज एकदम व्यवस्थित, घर का मसाला, घर का धनिया करेला, मटर, और करेला वरेला सब बना करके मस्त हमारे दादाजी जो हैं घर पे सब व्यवस्था किए रहते हैं, ठीक है। और पूरा देखिए धनिया उनिया सब एवरीथिंग। तो बाबा ये तो मतलब रोज सब्जी निकलत हो अम्मन। तो रोज है ही, अब कहाँ कई महीने सब्जी खरीद थोड़ी जा रही है। हाँ एकदम पूरा फली तैयार है बढ़िया वाला। हाँ लड़का क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है रे बेटा? देखा अभी लेके आ रहे हैं, हाँ फली है। पूरा एकदम इतना रोज तैयार होता होगा। हाँ हाँ आज टाइगर के नाम पर है, आज टाइगर के टाइगर नाम पर है, आज टाइगर के नाम पर है। ये देखिए मस्त यहाँ पे पपीता का। बेटा क्या हाल है? क्या बेटा ठीक भाई, ठीक कैसे पापा तुम्हारे? ठीक हाँ तुम किस क्लास में हो? 10th। 10th में, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कहाँ हो भौजी? तबीयत पानी कैसे में तुम्हार? गुड़वाड़वा? दवाई चलत है, हाँ अब लड़के बच्चे ठीक है। ठीक बा। ये देखा भैया दर्शक गण, ये हमार भौजी हैं। भौजी तो हर वीडियो बनाओ थे। अरे हमारे राम रे राम रे जहाँ भगवान। हाँ तो कहो भौजी साहब जवान बाटन ना। हाँ मतलब आराम है कि ना पैर में? अकबरपुर के दवाई कराओ थी भाई, एक जने हन बस खारी वाले रोडो पान पाड़े, हाँ उन्हें दिखाए है। मतलब घुटना तकलीफ है कि कहाँ है? नहीं यह बच्चों यह हाँ तो अच्छा अच्छा हाँ अच्छा यह घुटना का नाम। हाँ, तो आराम बा ना? हाँ बा आराम। चला बस ठीक है, क्या कर लो मशीन दी है नठे से कहिया करे के। अच्छा ठंडी में थोड़ी तकलीफ ज्यादा होत हुई? ठंडी या गर्मी हम कुल हो तो बच्चों। हाँ क्या रे कल्लू का लड़का? के कल्लू के कतलू का लड़का है ना? हाँ कल्लू है वो। चिंता ना कर भाई। पाला गुरु ठीक बा? गांव के आज घुमाई हो रही है, ठंडी है भाई, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब बाबा के साथ आ रहे हैं, अब थोड़ा बाबा के साथ बातचीत करेंगे। बाबा दर्शक आपके बारे में बड़ा उत्सुक है जानने के लिए। आज ही पाला की दर्शक बाबा ये जानना चाहते हैं कि आप हमको मुंबई ले गए। मैं दर्शकों को दर्शक आप सब लोग पूछते हैं बार बार कि आप मुंबई कैसे पहुँचे, आपके गॉडफादर यही हैं, गॉडफादर यही ले गए थे हमको इस कचरे से निकाल कर, कीचड़ से कमल खिलाया इन्होंने, और वहाँ जा कर के इन्होंने जमाया मामला मेरा। तो वो सब दर्शक हमसे पूछते हैं कि एक बार जरा मिलवाइए रूबरू एकदम। ये देखिए दर्शकों मेरे दोस्तों, हमारे पिता तुल्य, हमारे दादाजी, हमारे हमारा हमारा रिलेशन जो है मित्रता का भी है, पिता का भी है, दादा पोते का भी है। श्री इंद्रजीत त्रिपाठी जी जिन्होंने वहाँ मुझे स्थापित किया, और एयर इंडिया में असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर थे ना सर आप? फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एयर इंडिया में, और
बाबा बताइए कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। आप मुंबई कब गए बाबा? मुंबई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ला कर रहा था, एमकॉम के बाद ला कर रहा था, घूमने के लिए मुंबई गया 1967 में। दो तीन महीना घूम ही रहा था कि तब तक 1968 में मेरी एयर इंडिया में सर्विस लग गई। हाँ, फिर ला पूरा नहीं हो पाया, फिर उसके बाद सर्विस चालू हो गई, फिर 1971 से विदेशों का दौरा शुरू हो गया, फिर बड़ी दुनिया अजीब हो गई, हालात बदलते चले गए। उसी बीच में तुम यहाँ गांव में मुझे दिखाई दिए एक हीरा, हमारे में शुरुआत में ही कला थी, गायन कला विशेष रूप से आज भी मुझे याद है, निकाह का वो गाना जिससे तुम दिल के अरमां आंसू में बहे, अरमां सबका मुंह मन मोह लेते थे। फिर गए मुंबई, तब इतिहास ही बदलना शुरू हुआ। 6-7 महीना तो मेरे साथ तुम थे ही, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तुम्हारे में कुछ कर गुजरने का जज्बा पहले से ही था, फिर संघर्ष शुरू हुआ, फिर चलते चलते एक उदीयमान सितारे की भांत आकाश में चमकना शुरू किए कला के क्षेत्र में, और आज ये स्थिति है कि बिना तुम्हारे नाम के भोजपुरी सिनेमा के बारे में सोचना बेमानी। बाबा प्यार है आपका। अच्छा बाबा, दर्शक ये हमसे कहते हैं हमको एक्टर बनना है, मैं वही उनसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से उनको किसी को आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? पहले सबसे बड़ी बात तो है पेशेंस, क्योंकि ये मैंने नहीं तुम्हीं से मैंने सीखा, जिस तरह से पेशेंस करके संघर्ष में रहे और अपना काम करते रहे। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि पेशेंस रह करके संघर्षरत रहिए और सपना ऊंचा देखिए, अच्छा देखिए और करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आज बड़े बड़े सितारे जो बने हैं वो भी कभी ऐसे ही घूम रहे थे, अब बड़े बने हैं। तो संघर्षरत रहिए, अच्छी सोच रहिए, किसी का बुरा मत सोचो, अच्छा कर्म करते रहो, ईश्वर अपने आप फल देता है। बिल्कुल, तुम तो इसके उदाहरण है ही। तो आप लोगों ने देखा, बाबा ने आपको बहुत कुछ बता दिया और मैं इन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप मुझे यहाँ से ले जाने वाले और जिस परिस्थितियों में मुझे लेकर गए, जिस परिस्थितियों में मुझे अपने साथ रखा, ये प्रारब्ध होता है, ये किसी पूर्व जन्म का पुण्य होता है। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि मेहनत करिए, बाबा ने कहा धैर्य रखना चाहिए और स्वास्थ्य, इनका इनकी उम्र आपको पता नहीं है, बाबा की उम्र, बाबा 79 और भी साइकिल चलाते हैं और बिना चश्मा के दौड़ते हैं। और अभी ये बाबा हमारे जो है साइकिल चलाते हैं, सुबह 2-5 किलोमीटर चलते हैं और फिट हैं बिना किसी रोग के, इनका खाना पीना उठना बैठना सब नियमित है। तो मैं तो बाबा के दीर्घायु होने की कामना ईश्वर से करता हूँ और आप लोगों से यही है कि आप लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बाबा थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।